राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा शनिवार को एनेक्सी भवन के सभागार में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए एन प्रसाद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह सहित पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी व टीचर्स मौजूद रहे। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने मानसिक रोग से उत्पन्न होने वाले लक्षण को बताते हुए कहा कि अगर सिर में दर्द होता है और सिर में भारीपन बना रहता है और नींद नहीं आती है या देर से नींद आती है और किसी कार्य में मन नहीं लगता है, ऐसे लोग अपने आप को स्वस्थ समझते हैं, जबकि WHO ऐसे लोगों को स्वस्थ नहीं मानता है। ऐसे लोग डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान लॉकडाउन के वक्त दिन रात अपनी सेवा दे रहे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी और टीचर्स को कोरोना वॉरियर्स के रूप में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, इस अवसर पर जिनको मुझे आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करना है वो सभी आगंतुक इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय मंत्री का सम्मान करें। और जागरूकता करना है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित। मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी कम लोगों तक पहुंची है। क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य कम क्यों पहुंची है, इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि 90% जो इसके मरीज हैं वो अनट्रीटेड हैं। अभी भी हमारे समाज में केवल 10% मरीज हैं जो ट्रीटमेंट पा रहे हैं, 90% अनट्रीटेड हैं। इस अवेयरनेस को लाने के लिए ही 1992 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 92 से मनाया जा रहा है, मनाया गया और उसके बाद निरंतर हर साल कोई ना कोई थीम रहता है। आज की थीम इस वर्ष 2020 की थीम है काइंडनेस, दयालुता। बी काइंड टू योरसेल्फ, योर कंट्री, एनिमल्स, योर सोसाइटी, एवरीवन। ये काइंडनेस है, दयालुता। हम अपने प्रति दयालुता रखना है, अपने आस पास सभी के प्रति, सभी प्राणियों के दयालुता रखनी है। बाकी दयालुता पे आप अभी हम उम्मीद करेंगे हमारे विशेषज्ञों की, भूत प्रेम से किसी के कुल के पिछले जन्मों के बाद के कारण, किसी के कमजोर चरित्र के कारण या ऐसे किसी अन्य कारणों से हो रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन प्रमाणित है। कुछ केमिकल्स कम या ज्यादा हो जाते हैं, कुछ रिसेप्टर्स कम ऊपर या नीचे हो जाते हैं, जिनके कारण मानसिक रोग होते हैं। और विश्वास करिए ये सबसे सस्ते इलाजों में से इनका इलाज है। बाकी बीमारियों के इलाजों में जो खर्च आएगा उनसे बहुत सस्ता ही खर्च आएगा मानसिक रोग की बीमारियों के इलाज का। लेकिन दुविधा ये आ रही है कि संख्या कम है मानसिक रोग में काम करने वाले लोगों की। टोटल हेल्थ किया जाए 10% तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। और इसी क्रम में हम अपने कार्यक्रम का परिचय देंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम इसे जिला में सेवा दे रहे हैं, लोगों को सुविधाएं देना है मानसिक स्वास्थ्य की, वो सुविधाएं हम किस तरह से देंगे, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लिए वो कवर करता है। उसके लिए राष्ट्रीय जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम हर जिले की जिला चिकित्सालय पे 3 दिन हम लोग OPD की सेवाएं देते हैं। सोम बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति को आउटरीच के थ्रू हम दूर दराज रस्ते पर 8 PHCHC चयनित हैं, जहां हम कम समुदाय में जाते हैं, वहां पे कैंप लगते हैं उस एरिया में, उस PHCHC के क्षेत्र में। वहां समुदाय से अपने लोगों को सूचना रहती है, वो लोग आके अपना इलाज लेते हैं, परामर्श दवाएं सभी कुछ दी जाती है। एक दिन शनिवार हमारे पास बचता है जिसमें हम शहर के, गांव के, मतलब इस पूरे जिले के सारे शरणालयों, जो गवर्नमेंट शरणालय हैं, जो नॉन गवर्नमेंट शरणालय हैं, शेल्टर होम्स हैं, उन सब में जाते हैं, उनको सम्मान भी दिया जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ वो आप सभी अपेक्षा करता हूँ कि जिस तत्परता से, जिस संलग्नता से, जिस निर्भीकता से आपने इस
गोरखपुर जनपद में कोरोना वाले ग्रुप में काम किया, इसको आगे आप बढ़ाइए और इस कोरोना पे हम लोग आप लोगों के सहयोग से जीते हैं। आज हम हैं यहाँ पे हैं, हम स्वस्थ हैं, इन सब में पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस मंच के माध्यम से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जानते हैं कि एक खुशहाल जिंदगी को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे तत्व आवश्यक होते हैं, इसमें से एक मानसिक तनाव, एक मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा तत्व। अगर हमारे पास घर होती है, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, हम कामयाबी के उन तमाम बुलंदियों में पहुंचते हैं जिसकी हमने आकांक्षा की हो, जिसकी हमने अपेक्षा की हो, लेकिन अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो ये सब बेकार है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आज इस वैश्वीकरण, इस प्रतिस्पर्धा के जीवन में युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस आते रहता है। यह तनाव धीरे धीरे अवसाद का रूप धारण कर लेता है, यह अवसाद एक विकार बन जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मानसिक बीमारी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, यह एक विकार है और इसका समय सही समय से इलाज, सही समय से जांच, सही समय से पता लग जाना ही इसका ऐसी व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं किसी मानसिक विकार से ग्रसित है, जिसमें इंडिया में, भारत में लगभग 90 मिलियन लोग इस मानसिक विकार से ग्रसित है। ऐसे व्यक्तियों में कुछ को पता होता है, कुछ को पता नहीं रहता, तो ऐसे में इसकी पहचान करना, इसका इलाज करना बहुत आवश्यक है। कोविड-19 महामारी के दौरान हम लोग आप लोग सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हम लोग अपने घरों में रहे, धीरे धीरे ये एक तरीके की मानसिक विकार उत्पन्न होने लगी। आज यह जो संख्या है लगभग भारत की पॉपुलेशन की 20% है जो किसी न किसी मानसिक बीमारी से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में आपकी सहानुभूति, आपकी दयालुता ही सबको एक अच्छा जगह और अच्छा इलाज करा सकती है। जैसे कहा गया कि अलाइफ इज नॉट अलाइफ विच इज नॉट लिव फॉर अदर, मतलब वो जिंदगी ही क्या दूसरों के लिए ना जिए। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम जहाँ भी रहते हैं, जिस भी परिवेश में रहते हैं, हम अपने आस पास के लोगों के साथ एक सहानुभूति, एक सिंपैथी और एक काइंडनेस व्यवहार करें, जिससे वो भी हमारे साथ एक सुख में जीवन व्यतीत कर सके। विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, मानसिक रोग विभाग के हमारे डॉक्टर शाही साहब संचालन कर रहे त्रिपाठी, सामने बैठे हुए हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ, पुलिसकर्मी, अन्य विभाग से आए हुए लोग और पत्रकार भाइयों, कोई भी दिवस हम लोग मनाते हैं इन्हीं बातों के लिए कि उस पर कुछ चर्चा हो, वो चर्चा लोगों तक जाए और लोग उसको और लोगों तक पहुंचाएं, वो लोग और लोगों तक पहुंचाएं, यानी उसके बारे में जानकारी हो और उसका प्रचार प्रसार हो। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, हम उसे मना रहे हैं, हम इस जनपद में इसको चौथी बार मना रहे हैं और इसका तात्पर्य ही यही है कि हम लोगों को जागरूक करें कि कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी चीजें मानसिक बीमारी के रूप में जानी जाती हैं या उसके क्रम में आती हैं और इसका पूरा का पूरा इलाज संभव है। हम उसे अगर अपने सही चिकित्सक के पास परामर्श लेने चले जाएं तो हम उससे ठीक हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में ही है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल कि आपको थोड़ा बंसी नहीं है, दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, कोई अन्य बीमारी नहीं है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और सोशल वेलबींग के लिए भी WHO कहता है कि आप बहुत ही स्वस्थ हैं, बहुत ही सब कुछ है, संपन्न है, सोसाइटी में आपका व्यवहार ऐसा है कि जो सोसाइटी को गवारा नहीं है। अभी तो कहते हैं कि वो वाले बहुत अच्छे हैं, वो व्यक्ति, अरे हमारा पड़ोसी तो बहुत खराब है, फलाने तो बहुत वैसे हैं, यानी सोशल बिहेवियर या सोसाइटी में जो आपका व्यवहार होना चाहिए वो अच्छा नहीं है, देन यू आर नॉट हेल्दी।
तब भी आप हेल्थी नहीं हैं। तो फिजिकल जो नंबर वन पे है, आपको दर्द हुआ आप डॉक्टर के पास पहुंचे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुई आप डॉक्टर के पास पहुंचे, वो फिजिकल वाला। मेंटल में हम उतनी जल्दी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते या अपनी समस्या के निदान के लिए जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करते। और सोशल वेलबींग तो बहुत कुछ, तो मेरा मानना है कि वो परिवार से ही आता है, कहाँ से आप बड़े हैं पले हैं उससे ही आता है कि आप कैसे इंसान होंगे, सोसाइटी के लिए कैसे इंसान सिद्ध होंगे। ये तीनों मिला के अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो WHO कहता है वो स्वस्थ व्यक्ति है। अन्य चीज़ों के बारे में नहीं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, पहले हम सिर्फ ये जानते थे या ब्रॉड रूप से कहें, ऐसे ही गांव की भाषा में कहें कि फलाना पागल हो गया, उसी को मान लेते कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जो न खा रहा न पी रहा न नहाता है न धोता है, घूमता रहता सोता भी नहीं। आज सिनेरियो बदल गया है, यहाँ बैठे 25% से ज्यादा लोग मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, अनिद्रा, भूख न लगना, सोते सोते जग जाना, अचानक ऐसे सपने देखना, ये सारा उसी मानसिक हेल्थ में आता है, मानसिक स्वास्थ्य में आता है। हम सब में ये कुछ होता है, कभी कभी हमसे ओवरकम कर लेते हैं, अपने से ही इस पे काबू पा लेते हैं, और कभी कभी वो बढ़ता जाता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ ये भी आता है कि मैंने देखा है कि एक व्यक्ति अपना हाथ धो रहा तो हाथी धोना चला जाना, साबुन से बार बार साबुन लगा के हाथी धो ओबेशन, अरे अभी तो हाथ गंदा है। मानसिक स्वास्थ्य में छोटी छोटी चीजें, मानसिक स्वास्थ्य में यह भी आता है कि पत्नी कहती है पता नहीं मैंने से इतनी बनकर ही नहीं बनते, कई एक बार देख के आगे थोड़ी दूसरी बातें कर ली, फिर कहती पता नहीं मैंने से इतनी बंद कर ली, ये भी मानसिक स्वास्थ्य में। भूलना, सो रहे हैं तो नींद ही नहीं आ रही, ये तो बहुतों को है, ये दिक्कत तो बहुतों को है कि नींद नहीं आ, एक तो नींद ना आना लेटे आप तुरंत नींद नहीं आई ये, और दूसरा नींद आ गई बस थोड़ी सी आई खुल गई, और फिर इतने फितूर दिमाग में आ रहे हैं जो सुबह सोचना चाहिए था वो रात में 4 बजे 3 बजे से, तब भी आप हेल्दी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई केमिकल जो हमारे विशेषज्ञ ने बताया, कहीं ना कहीं कोई केमिकल बहुत बन रहा है और उसकी वजह से ये हो रहा है। परिस्थितियां, घरेलू माहौल, जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां का माहौल, ये सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है। पिछले दिनों अखबारों में देखा हमारे पुलिस भाई लोग सुसाइड कर रहे थे, उनका जब देह में जाया गया तो पता लगा वो 6-6 महीने से छुट्टी ही नहीं पाए कि अपने वो घर जा सके, घर जाके अपने परिवार से मिल सके, उनकी समस्याएं सुन सके, बस एकदम कोल्हू के बैल की तरह। जैसे इस समय कोरोना वायरस, हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे हम अपने पैरामेडिकल्स को और चिकित्सकों को पिछले 4 से 6 महीनों में एक भी छुट्टी नहीं दी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना हुए विश्व में बहुत तबाही मचाया, लेकिन हम भारतवासी 130 करोड़ आबादी, और वह प्रदेश जहां की आबादी 24 करोड़, लेकिन आप सभी की मेहनत से कोरोना पर विजय पाने का प्रयास किया गया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री को, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किया, और उनको आप बता दें ऐसे मुख्यमंत्री हम लोग भारत से मिले जो आदमी 8 बजे 8:30 बजे रात में भोजन करती और 12 बजे तक लगातार मीटिंग करता, फिर भी कुछ लोग उंगली उठाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी कुछ योगी नहीं पड़ा।
नीति के बारे में कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कोरोना के क्षेत्र में जितना स्वास्थ्य विभाग ने काम किया, सरकारी कितने हॉस्पिटल थे साथियों, प्राइवेट हॉस्पिटल शटर डाउन हो गया था। आज जनता महसूस की है कि स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने उनको जीवन दिया, अपने जान की बाजी लगा करके। साथियों आपको बता दें, चाहे पुलिस विभाग के लोग बैठे हुए हैं, हमें घटना बता लखनऊ की, हमारे मित्र इंस्पेक्टर थे तो बेचारे को बिना अपने दातान को बताए उस कांस्टेबल को लेके लखनऊ चले गए। हॉस्पिटल कोरोना के पेशेंट उसमें थे, हॉस्पिटल चंदन हॉस्पिटल, उस कांस्टेबल के परिवार के, उसकी पति, उसका भाई, उसके बाप सब आए। उस हॉस्पिटल में घुसने की भी जरूरत नहीं किए, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान ले जा करके एडमिट कराए। दुर्भाग्य से सीरियस मैटर था, वो सिपाही मर गया। आप सोचिए किन करिए, परिवार के लोग उस बाटी को उठा करके एम्बुलेंस में नहीं रखे। यही लोग पुलिस के हमारे भाई लोग बाटी को एम्बुलेंस में रखे, भाई पत्नी दूसरी गाड़ी से लोग घर गए और ले जाकर दाह संस्कार करके वापस आए। हमारे साथ कई घटना बहुत घटनाएं हुई। अभी हमारे टीवी शाही थे, स्पाइरल गए थे, कोरोना के एसपी के बहुत ज्यादा लोग इसमें कोरोना से नहीं मर रहे, वो लोग हार्ट अटैक हो जा रहा है, ऐसी कभी पहले से कुछ बीमारियां हैं वो हावी हो जा रही है। और बहुत लोग सोच दे रहे हैं इस पर कि क्या होगा। सीएमओ साहब ने जो कहा कि वह उससे ज्यादा दिक्कत, कोरोना बहुत लोगों को छू करके निकल भी गया, पता नहीं चला, अंदर से मजबूत रहे। हम भारतवासी हैं, अन्य देशों में क्या अमेरिका इतना डेवलप था, कितनी तबाही हमारे वहां। ऋतु बदलती है साथ, मौसम बदलते, उससे हमारे अंदर इम्यून पावर बहुत बढ़ गया है। इस नाते हम भारतवासियों को कोरोना का बहुत असर नहीं। आप लोगों को और रोज साथियों तो जानते हैं, एक दो चार की मदद आप कर रहे हैं तो आप दिन आपका बहुत अच्छा दिखता है। आप खुद महसूस करिए, कोई आपके बारे में क्या सोचता है इसकी चिंता मत करिए। एक दो चार दस की मदद जो जिस लायक हो, पैसे से नहीं, हो सकता है कोई गिर गया उसको उठा के क्या हाल है, कैसे कैसे नहीं, तो उसको आपको बहुत संतुष्टि मिली। किसी गरीब का आप सोचिए, कुछ सोचिए कि रोज हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। श्री प्रमोद श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव लिखित है, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री राजेश कुमार यादव, श्री राहुल सिंह यादव करता हूँ। डॉक्टर में इतना अच्छा हुआ कि ये लड़के 108 और 102 के श्रीमती रेशमा यादव जो कराना चाहते हो,
हमारे सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय इसमें मौजूद थे, हमारे सीएमओ साहब मौजूद थे, यहाँ के सारे राहुल जी मौजूद थे। इस तरह से यहाँ जितने भी कोरोना वॉरियर्स थे उनको पहले प्रशस्ति पत्र दिया गया है, सम्मानित किया गया है और सबको इतना बढ़िया सीएमओ साहब ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि आप अपने परिवार के प्रति कैसा व्यवहार करें जिससे कोई आपको दिक्कत ना हुई, समाज के प्रति आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए। इस तरह से सबको समझाने का प्रयास किया गया है कि आप तभी स्वस्थ रह सकते हैं कि टेंशन फ्री रहें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इसमें हमारे जो भी इसके आयोजनकर्ता थे भाई, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देंगे कि ऐसे कार्यक्रम से लोगों को अंदर जागरूकता आएगी और समाज में हर कोई अगर सेवा भाव से कार्य करे, समाज के लिए काम करे, तो निश्चित है हम स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा।